इस कतल मामले ना जुड़ी वड्डी खबर, तिहाड़ जेल दे विच बंद लॉरेंस बिश्नोई तो पंजाब पुलिस पुछ पड़ताल करेगी। लॉरेंस बिश्नोई जिसनों रिमांड ते लै सकती है पंजाब पुलिस, तिहाड़ दी जेल नंबर 8 दे विच बंद है लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला दे कतल दी FIR दे विच लॉरेंस बिश्नोई दा नाम दर्ज है। बिश्नोई ग्रुप दे नाल जुड़िया होया है गोल्डी बराड। बिश्नोई दा करीबी मन्या जांदा है गोल्डी बराड़, जिन्हां ने इस कतल की जिम्मेवारी ली है, उस गैंग के दोवें मैंबर ने। तिहाड़ जेल दे विच बंद लॉरेंस बिश्नोई तो पुछ पड़ताल कर सकती है पंजाब पुलिस इस मामले दे विच। इस मामले च परतां हुण लॉरेंस बिश्नोई तो खुलवाउण की मंग उठ रही है। तिहाड़ जेल च बंद लॉरेंस बिश्नोई तो पंजाब पुलिस पुछ पड़ताल कर सकती है, उसनों रिमांड ते लै सकती है। तिहाड़ दी जेल नंबर 8 दे विच बंद लॉरेंस बिश्नोई तो इस मामले दे विच पुछ पड़ताल हो सकती है। FIR दे विच लॉरेंस बिश्नोई दा नाम दर्ज है। लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ ये बड़े करीबी मन्ने जांदे ने, दोवां दी मिली भगत दे नाल ही इस घटना नूं अंजाम दिता गया है, क्योंकि जिम्मेवारी इस तरह लई गई सोशल मीडिया ते ये तमाम अकाउंट्स वालों। हालांकि ये अकाउंट्स वाकई एक्रेडिटेड ने, ये अकाउंट्स हकीकी इन्हां गैंग्स दे नाल जुड़े हुए ने। इस दी पुष्टि तां जी पंजाब हरियाणा हिमाचल नहीं करदा, ये पेजिस ऑफिशियल तौर पर काम उन्हां लई ही कर रहे ने। इस दी ऑफिशियल तौर पर तां जी मीडिया कोई तस्दीक नहीं करता, पर इन्हां ने जिम्मेवारी जरूर ली है। तो हुण साढ़े सहयोगी नीरज इस खबर से साडे नाल जुड़ चुके ने। नीरज, आपसे यही इस वक्त जानना चाहेंगे, लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा नाम गैंगस्टर्स में और तिहाड़ जेल में बंद है, उससे पूछगिछ की जाएगी, उससे सवाल जवाब करेगी पंजाब पुलिस, क्या कुछ और जानकारी इस केस में? देखिए, इस सिद्धू मूसेवाले मर्डर के मामले में सबसे जो बड़ा नाम निकलकर सामने आया है और इसमें जो है लॉरेंस बिश्नोई का नाम है, तो इसलिए जो कि पंजाब पुलिस है वो इसमें लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। और लॉरेंस बिश्नोई जो है इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और जेल नंबर 8 जो कि पेयर सिक्योरिटी वाला वार्ड इसको कहा जाता है, वहां पर इसको रखा गया है और वहां पर पूछताछ करने के लिए पंजाब पुलिस की टीम वहां जा सकती है, प्रोडक्शन वारंट उसका ले सकती है और फिर उसके बाद जो पूरा ये जो मर्डर हुआ है उसके बारे में पूछताछ करेगी, ये पता लगाए कि आखिरकार वो शूटर कौन थे और किसके इशारे पर सिद्धू मूसेवाले की हत्या की गई है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है इस केस को सॉल्व करना, जिसमें जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करना, क्योंकि ये सामने आया था कि 3 हत्यारे थे जो कि अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर के आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए थे अपनी गाड़ियों को छोड़ करके। तो बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो जो भी हमलावर थे बेहद प्रोफेशनल लग रहे थे, शूटर थे, उनको पता था कि उन्हें किस तरीके से टारगेट करना है और ज्यादा से ज्यादा जो गोलियां हैं उन्होंने सिद्धू को मारी है, जिसमें उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी, लेकिन उनको अस्पताल जरूर ले जाया गया था जहाँ डॉक्टर ने उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया था। तो वहीं इस पूरे केस को किस तरीके से क्रैक किया जाए तो उसको लेकर के पंजाब पुलिस तमाम जगहों पर जा सकती है, जिसमें दिल्ली के तिहाड़ जेल जाने की भी पूरी संभावना है पंजाब पुलिस की। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के साथ भी जो पंजाब पुलिस है वो संपर्क में है और तमाम इनपुट्स हैं उनको जुटाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नीरज गौड़ इस पूरी जानकारी के लिए।